भारत देश की रेल पटरियों पर सबसे तेज दौड़ने वाली वंदे भारत 2 ट्रेन टाटा नगर जंक्शन से आगामी 15 तारीख को प्रधानमंत्री के हाथों हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। यही वो वंदे भारत ट्रेन है जो एक ट्रेन टाटा नगर से उड़ीसा के लिए तो दूसरी ट्रेन टाटा नगर से बिहार पटना के लिए रवाना की जाएगी। भारतीय ये रेल है जो वंदे भारत के नाम से बनाई गई है। ये 130 से ऊपर यानी 150, 160, 170 के आसपास तक की स्पीड में ये चलेगी। लगभग कम समय में ही किसी भी दूरी को ये तय कर ले रही है। तो भारत देश में ये बड़ी उपलब्धि भारतीय रेल की है, जो रेल जो वंदे भारत के नाम से आ रही है। और 15 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन होगा और इस ट्रेन का वो हरी झंडी दिखा के रवाना करेंगे। हमारे पीछे आप देख लीजिए, ये टाटा नगर स्टेशन है और टाटा नगर स्टेशन में जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके अंदर एक उत्साह है। वो साफ तौर पे बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन टाटा नगर स्टेशन पे जब होता है तो कितनी खुशी आपको होती है, कितनी खुशी आपके मन में होती है कि प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और यहाँ से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया जाएगा ट्रेन। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी हमारे जमशेदपुर आ रहे झारखंड, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हमारे झारखंड को 2 ट्रेन दिए हैं, एक पटना के लिए, एक उड़ीसा ब्रह्मपुर के लिए, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे जमशेदपुर से ही वंदे भारत चालू हो रही है। ये वंदे भारत तो कैसा दिख रहे हैं? हाई स्पीड ट्रेन है। हाई स्पीड ट्रेन है, कम समय लगता है, कम समय लगेगा, जल्दी पहुंचेगा लोग। ये जो भारतीय रेल की ट्रेनें हैं उनको सबको हटा करके सारी ट्रेनें इसी तरह से स्पीड वाली बना दी जाए तो क्या कुछ बचेगा समय लोगों का, यात्रियों का? समय लोगों का बचेगा, लोगों का समय बचेगा, लेकिन भाड़ा ज़्यादा है। भाड़ा ज़्यादा है तो किराया ज़्यादा है, इसको लेकर के लोगों में थोड़ी सी निराशा भी है। मगर एक बात वो बताते हैं कि किराया ज़्यादा होने के साथ वंदे भारत का जो स्पीड है और जो फैसिलिटी ट्रेन में है वो काफ़ी अच्छा है। भारतीय रेल को इस तरह की ट्रेनें और दे देनी चाहिए और प्रधानमंत्री को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। तो 15 तारीख को जमशेदपुर टाटा नगर जंक्शन में प्रधानमंत्री का आगमन होना है और यही वंदे भारत ट्रेन जो है जिसको वो हरी झंडी दिखा करके टाटा नगर जंक्शन से रवाना करेंगे। और इसके साथ ही जिसका ट्रायल ले लिया गया है, देखिए किस तरह से ट्रेन को आगे पीछे करके बढ़ाया जा रहा, हिलाया जा रहा, उसका ट्रायल लिया जा रहा ताकि ट्रेन इन पटरियों पे वो दौड़ सके। यही वो ट्रेन है जिसको इन पटरियों पे दौड़ाई जाएगी और कम समय में बिहार पटना और उड़ीसा ये ट्रेन टाटा नगर जंक्शन से जाएगी। तो प्रधानमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ट्रेनों को टाटा नगर जंक्शन से देने का वो काम किए हैं। और जब 15 तारीख को आएंगे और हरी झंडी दिखाएंगे और तमाम योजनाओं का जमशेदपुर में शिलान्यास करेंगे तो उसके बाद जमशेदपुर के लोग भी उनको और दिल से धन्यवाद देंगे। उनको कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी 2 नहीं, 10 नहीं, 20 ट्रेन इस जंक्शन से दीजिए ताकि जमशेदपुर वासियों का भारत के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की जो सुविधा है वो बरकरार हो जाए। अपने सहयोगी नवीन प्रधान के साथ इंद्रजीत सिंह, समाचार प्लस, टाटा नगर।